हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होप अच्छे हो गए और अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। टॉपिक क्या है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाउ टू बिकम अ डिज़ाइन इंजीनियर। हाउ टू बिकम अ डिज़ाइन इंजीनियर, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये हाउ टू बिकम अ स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर। देखिए डिज़ाइन इंजीनियर दो टाइप के होते हैं, दो मीन्स दो पार्ट हैं उनके। कौन कौन से? एक होता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन और एक होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों क्या होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर को, अगर आप जैसे भी आप फ्रेशर हो, ठीक है, या आप एक्सपीरियंस भी हो वन और टू ईयर, तो अभी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन इंजीनियर से पूछा जाता है वो IS कोड पूछे जाते हैं। कौन सा टॉपिक है? IS कोड। अब IS कोड में क्या पूछते हैं आपसे? IS कोड में IS 456, IS 800, IS 875 के पांचों पार्ट और IS 1893, ये चारों कोड को आप अच्छी तरीके से, इसके जो बेसिक्स पार्ट है आप मेरी वेबसाइट पे जाके, इसको मैंने बहुत कम लाइक पोर्शन में लाइक जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने कोई PPT में प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। IS कोड सारे के सारे अच्छे से पढ़ो। IS कोड के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है मैनुअल डिज़ाइन। आप बोलोगे सर मैनुअल डिज़ाइन किस चीज़ की? तो मैनुअल डिज़ाइन फुटिंग की, आप फुटिंग में पाइल कर लो और आइसोलेटेड कर लो, फुटिंग डिज़ाइन, उसके बाद कॉलम, उसके बाद स्लैब, उसके बाद बीम, इनकी अच्छे से डिज़ाइन पढ़ लो क्योंकि इनकी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इन मैनुअल डिज़ाइन करवाएंगी। ये हो गया सेकेंड टॉपिक, IS कोड फर्स्ट, सेकेंड इज आपका मैनुअल डिज़ाइन। अब थर्ड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा आप बोलोगे? ठीक है, तो वो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा विंड एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, विंड एनालिसिस। तो विंड एनालिसिस का पूरा मेथड आप हमारी वेबसाइट से उससे डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आप बोलिए नीचे कमेंट करिए तो मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके अलग अलग वीडियोज भी तैयार कर सकता हूँ। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेस्मिक डिज़ाइन, सेस्मिक पढ़ लीजिए, विंड पढ़ लीजिए। उसके बाद सीयर वॉल की डिज़ाइन, इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है मार्केट में, लाइक जितने भी लोग इंडस्ट्री में है वो पूछे जा रहे हैं सीयर वॉल की डिज़ाइन। सीयर वॉल की डिज़ाइन में क्या हम लोग क्या पूछते हैं, सीयर वॉल को कैसे डिज़ाइन करते हैं? सबसे ज़्यादा कोर टाइप सीयर वॉल। सीयर वॉल के अलग अलग टाइप हैं दोस्तों, उसमें 6 टाइप्स हैं, तो हम 6 टाइप्स को तो नहीं पढ़ सकते ना, तो आप कम से कम कोर टाइप सीयर वॉल को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब सीयर वॉल के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप BBS बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन लोग डिटेलिंग के बारे में पूछते हैं, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्लस डिटेलर दोनों खोजते हैं वो BBS से भी क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही साथ BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कुछ टॉपिक्स के, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट, इनके बारे में, इनके टाइप्स, ये किस किस के कंपोजिशन से बनते हैं, सीमेंट में कितना परसेंट लाइम होता है, कितना परसेंट सिलिका होता है, इनके बारे में थोड़ा सा डीप में जाके स्टडी कर लीजिए। इसके बाद अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपके लगता है कि आप और अच्छे तरीके से आप तैयार होना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा स्टैट प्रो ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टैट प्रो या ETABS या दोनों, अगर आप अच्छी प्रोफाइल पर जाना चाहते हो तो दोनों साथ में, आप AutoCAD तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए इतना मिनिमम कोर्स है जो आपको पूछेंगे। अगर आप किसी MNC में जा रहे हो तो अमेरिकन कोड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अमेरिकन कोड को अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक्स पढ़ लीजिए उनके, जैसे कि उनका बेसिक्स में अगर मैं बात करूँ तो वो जैसे हम लोग अभी कंक्रीट का क्यूब लेते हैं ना, तो वो लोग क्या लेते हैं, वो सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर क्यूब चेक करते हैं। जैसे हमारा M20 है तो वो बोलते हैं C15, हमारे M20 के मिक्स प्रोपोर्शन कितना है 1:4, तो ये सॉरी 1:1.53, तो ये वो लोग क्या बोलते हैं इसको C15 बोलते हैं, तो उनका सिलेंडर में नापा जाता है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़े से बेसिक्स लाइक टेस्ट पढ़ लीजिए, टेस्ट कैसे कि कंक्रीट को टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा स्लम के टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, स्लम का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्यूरिंग के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है वो क्या है, IS कोड है। IS कोड के साथ आपका लाइक डिज़ाइन है, मैनुअल डिज़ाइन के बाद BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल, विंड एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना स्ट्रक्चर इंजीनियर को मिनिमम लगेगा, और इतना अगर आप पढ़ के जानते हैं तो आप समझिए कि आपका 100% सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप एक एक टॉपिक के वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आपने शेयर किया तो डेफिनेटली मैं एक एक टॉपिक, बिंड, सेस्मिक, IS कोड्स, कॉलम का साइज़ कितना रखते हैं, बीम का साइज़ कितना रखते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाऊँगा और आप तक लेके आऊँगा।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करना यार, लाइक के साथ शेयर करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए शेयर है, क्योंकि शेयर करते हो तो लोगों तक पहुँचती है बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।